हेलो दोस्तों, सके अकाउंट्स दोस्तों, मैं आज बताऊंगा टेली ईआरपी 9 में 3B का रिकंसिलेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमने जीएसटी और 3B का मैच कैसे करना है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ में मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आपके लिए नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं रहा है। प्लीज वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और दोस्तों साथ में आप एक लाइक जरूर मारिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो पर और देखते हैं हमें रिकंसिलेशन कैसे करना है। तो दोस्तों, यहां से हमने पोर्टल ओपन करना है। यहां पर यूजर नेम दे देंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये नीचे करेक्टर दिए हुए हैं, वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और यहाँ से मैं लॉगिन कर देता हूँ। दोस्तों, ये पोर्टल ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैं रिटर्न डैशबोर्ड पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये रिटर्न डैशबोर्ड खुल गया है। यहाँ पर मैं अप्रैल 2019-20 का अप्रैल चूज करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं 3B पर जाऊँगा और यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से जैसे भी क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये नीचे डाउनलोड हो जाता है, जो PDF फाइल में डाउनलोड हो जाता है। आगे मैं मई का चूज कर लेता हूँ, उसको सर्च कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो PDF फाइल डाउनलोड हो जाती है। इसी प्रकार मैं सभी मंथ के डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार ये हमने मार्च तक डाउनलोड करने हैं। ये दोस्तों 3B डाउनलोड करने का यही प्रोसेस है। इसमें हमारे को 3B की PDF फाइल मिल जाती है और इसमें हमें सभी प्रकार की जो जानकारी हमने फिल की हुई है, सभी इसी के अंदर हमारे को मिल जाती है। दोस्तों, ये मार्च की है, मार्च की हमने अभी फिल नहीं की है। तो फिल नहीं की है तो यहाँ पर ये क्लिक एयर लिखा रहा है, तो हम ये इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरे पास 11 फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं, मैं इनको ओपन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ से मैं इनको सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ क्लिक दबाऊँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ से मैं इनको कट कर लेता हूँ Alt X से। कट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर एक फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर, और दोस्तों इसको मैं नाम देता हूँ 3B Returns From Portal और मैं इसको ओपन करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये 11 फाइलें हमारे पास डाउनलोड हो चुकी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मंथ वाइज डाउनलोड हुआ है, हमारे को ये दिखा रहा है, ये अप्रैल की है, ये मई की है नीचे। तो मैं यहाँ पर अप्रैल पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, ये 3B ओपन हो चुकी है जो हमने फाइल की है। दोस्तों, इसको हमने मैच करना है, रिकनसाइल कराना है। तो दोस्तों, हम चलते हैं टैली पर और टैली में हमने 3B ओपन करना है और यहाँ पर GSTR 3B पर मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है, 1/4/19 से 31/4/19 तक, और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों
एल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। दोस्तों ये डिटेल्ड वाइज आ गया है, अब हमने उस फाइल 3B की जो फाइल्ड है उसके साथ मैच करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट हमने फिल की हुई है वही अमाउंट हमारे पास टैली ERP9 के अंदर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 2095799.55 है, वही इतनी अमाउंट यहाँ पर हमारे को शो कर रहा है। इसी प्रकार हम टैक्स मैच कर लेते हैं, जो सेंट्रल टैक्स है 188,622.02 वही इसमें शो कर रहा है। इधर देखिए दोस्तों SGST है, जो स्टेट टैक्स है UT टैक्स 188,729.27 यही उसमें शो कर रहा है। इसी प्रकार दोस्तों हमने इनवर्ड सप्लाई जो RCM जो हमने भरा है, जो मैंने इसमें फ्रेट का जो RCM होता है वो मैंने पैड किया है, तो इसमें यह एंट्री जो हम मैच कर लेते हैं सेम मैच हो रही है इसमें, तो हमारा ये एक्यूरेट है। अब दोस्त हम ITC मैच कर लेते हैं, 3B में जो ITC हमने जो परचेज की ITC देते हैं उसको हम मैच कर लेते हैं। इसमें दोस्तों देखिए IGST है 292,445, हमारे पास टैली में भी इतना ही होना चाहिए 292,445, ये इतना ही है। इसी प्रकार दोस्तों हम लाते हैं सेंट्रल टैक्स अमाउंट, वो भी 40,563.53 है, इसके अंदर भी उतना ही है। आगे दोस्तों SGST है वो भी उतना ही शो कर रहा है। ठीक है देखिए दोस्तों आगे हमारे पास डाटा फिल नहीं है। दोस्तों आगे पेमेंट ऑफ टैक्स का जो डिटेल है वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, वो किस प्रकार से हमने रिकनसाइल कराना है, किस प्रकार हमने जो रिटर्न्स के साथ मैच करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, आपको रिकनसिलेशन का सिस्टम समझ में आया होगा, हमें रिकनसिलेशन कैसे करना है, किस प्रकार से हमें 3B को मैच करना है। दोस्तों अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।